सब्सक्राइब चैनल एंड द गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू आवर YouTube चैनल सर सत्तार खान इंग्लिश ग्रामर लेसंस पोएटिक डिवाइसेस फिगर्स ऑफ स्पीच आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे मेटाफोर पन परसोनिफिकेशन एंटीथीसिस एलिट्रेशन आनोमेटाफो एक्सक्लेमेशन अब ये जो अंग्रेजी में सनतें हैं इस वीडियो को आखिर तक देखिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले देखेंगे मेटाफोर मेटाफोर क्या है सनत इसरा है मेटाफोर इज एन एम्प्लाइड सीमाइल है मेटाफोर क्या है ये एम्प्लाइड सिमिली है यानी तजवीज़ देने का एक तरीक़ा है इन मेटाफोर देर इज़ अ कम्पेरिजन ऑफ ए थिंग विद अनदर विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक सो एज इसमें एक शय का दूसरी शय से एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कम्पेरिजन करते हैं लेकिन इसमें लाइक सो एज ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते द कंपेरिजन टेकन फॉर ग्रांटेड दस व्हेन वी से ही लाइक अ लायन यानी ऐसा कम्पेरिजन जिसमें हम कहते हैं ही लाइक अ लायन ये क्या है सिमिली है वी से एवरी सिमिली कैन बी भी कम्पेर मेटाफोर एंड एवरी मेटाफोर कैन बी एक्सपेंडेड इन टू चलिए इसके एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं यानी हर मेटाफोर हर इसे को सिमिल यानी तजबी बना सकते हैं और तजबी को सनत तजबी सिमाइल या सिमिली को आप मेटाफोर समझ सकते हैं उसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफोर लुक द शिप ऑफ डेजर्ट इज़ कमिंग यानी देखिए रेगिस्तान का जहाज आ रहा है शिप ऑफ डेजर्ट किसे कहते हैं कैमल यानी ऊंट को कहते हैं द सन बेक द अर्थ सन जो है सूरज ये हीटिंग एलिमेंट्स है इसको तजबी दी गई है ये एक मेटाफोर है इंग्लिश इज़ द वहीकल ऑफ सिंशियल थाट्स ये इसकी स्पेलिंग दुरुस्त कर लीजिए सिंशियल सी आई होना चाहिए था ये या व्हीकल यहाँ पर लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल किया गया है एलिट्रेशन सनत सर हरफी एलिट्रेशन इज़ द रिपिटेशन ऑफ़ द लेटर सिलेबल एट बिगिन ऑफ बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स और द रिपिटिशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ द सेम साउंड इन अ सेंटेंस एलिट्रेशन क्या है ये रिपीटन ऑफ लेटर है या सिलेबल है जो दो या दो से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल किया जाता है किसी जुमले में और एक जैसे हर्फ की आवाज़ निकलती है उसे एलिट्रेशन कहते हैं अब ये अरे एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन इन फॉर्म एंड फीचर फेस एंड लिम अब इसमें अल्फाबेट एफ को के आ, जो तलफ है वो बार बार रिपीट हुआ है एफ फॉर्म में भी एफ़ फीचर में भी एफ और फेस में भी एफ एज वी वेर बींग वॉच्ड बाय नर्स वी वेर वॉच्ड अब यहाँ पर साउंड ऑफ लेटर डब्ल्यू इज प्लीजिंगली रिपीटेड लिसन द ट्विटरिंग ऑफ टिनी बर्ड्स अब यहाँ पर सुनिए ट्विटरिंग यानी चहचहाना टिनी बर्ड्स ट्वीट टी टी ट्विटरिंग टनी तो यहाँ पर दो जगह इस्तेमाल हुआ है टी इज़ प्लीजिंगली रिपीट सनातन तजाद सनत तजाद अ स्ट्राइकिंग अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट ऑफ वर्ड्स ऑफ फीलिंग इज मेड इन द सेम सेंटेंस एंटीथेसिस में यह अल्फाज की जिद इस्तेमाल की जाती है एक ही जुमले में एक ही मिसरे में द फिगर यूजेज वर्ड्स और फ्रेजेस डेट आर अपोज इन मीनिंग इन ऑर्डर टू फोर्सिबल एंड क्लियरली ब्रिंग आउट अ कॉन्ट्रास्ट जो अल्फाज है वो एक दूसरे के मुखालफ इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट को सामने लाया जा सके एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीथिस इसके एग्जाम्पल्स क्या है इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वन ऑल मैन डाउट यू अब अगर आप अपने आप पर भरोसा करोगे जबकि सब आप पर शक करते हैं तो ट्रस्ट यानी यकीन डाउट यानी कि शक होना बे यकीन इफ़ यू कैन कीप योर हेड यड वन अबाउट यू आर लूजिंग वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल अपोजिट वर्ड्स यूज आर डिवाइडेड स्टैंड एंड फॉल यानी यूनाट यानी इतिहास से खड़ा रहना डिडेड यानी मुनकसम हो जाना स्टैंड यानी yani खड़ा रहना फॉल यानी yani गिर जाना पर्सानिफ़िकेशन सनत तजसीम या तमसील पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट नो नोशन आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ इंटेलिजेंस एंड अदर ह्यूमन क्वालिटीज़ अब ये तजसीम यानी पर्सोनिफिकेशन कैसी फिगर्स ऑफ स्पीच है ये ये बेजान चीज़ों को ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं ऐसा बताते हैं जैसे वो जानदार जैसी है उसकी जहानत हो या फिर क्वालिटीज़ हो अब यहाँ पे इसके एग्ज़ैम्पल्स है इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर एंड ट्रीट टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम अब ये ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर को आप एक जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हालांकि जीत और हार तो लगी रहती है लेकिन उन्होंने क्या कर रहे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं मीट तो ये जो है और ट्रीट यानी उसके साथ बर्ताव अब आप क्या करेंगे यहाँ पर इसे पर्सोनिफिकेशन की एग्ज़ाम्पल है ये डेथ लेज़ हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग डेथ यानी मौत मौत ने अपने हाथ Uh, सर्द हाथ uh, राजा पर रख दिए तो मौत के हाथ थोड़ी होते जैसे बोलते हैं ना खानून के हाथ लंबे होते हैं तो क्या वाकई क़ानून के हाथ होते हैं बल्कि खानून वालों के हाथ होते हैं तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है द बर्ड्स ऑफ ड्रीम फ्लू अवे यानी ख्वाबों के पंछी उड़ गए तो ख्वाबों के कोई पंछी होते हैं क्या अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस यानी मौका एक ही बार दस्तक देता है तो मौका दस्तक देता है कि इंसान देता है प्राइड गोसड विथ पाम बट रिटर्न ऑन फूड बड़ी शान शौकत से आप आगे बढ़ते हैं लेकिन नंगे पैर वापस आ जाते हैं तो शान शौकत तो के पैर होते हैं क्या पन यानी सिफ़त ए या सनत ए वहम हो जाना वेन वी यूज़ द सेम वर्ड इन टू और मोर सेंस इन ऑर्डर टू मेक पीपल लाव वी एम्प्लॉय द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड पन यानि कि हम ऐसे अलफ़ एक साथ इस्तेमाल करते हैं जिससे मज़ा हाँ आ जाए या फिर हंसने लगे लोग हंसने लगे उसे पन कहते हैं अपन इज़ अ जोक बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ होमोफोन्स ये पन क्या है ये एक किस्म का जोक होता है जो होमोफोन्स के अलफाज के इस्तेमाल से आप इस, आ, समझ सकते हैं वर्ड्स विद द सेम प्रउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स जिसमें एक जैसे तलफ़ के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लेकिन मानी अलग होते हैं इट कैन आल्सो प्लेस विद वर्ड्स डेट साउंड सिमिलर इसमें एक जैसे आवाज़ वाले भी अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर सकते हैं बट नॉट एक्जैक्टली द सेम लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं होते जो जोक्स ह्यूमर इफ़ एन कम्स फ्राम द कन्फ्यूजन ऑफ द टू मीनिंग्स लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एक कस्म का ह्यूमर आ जाए उस लतीफ़े का उस जोक का एग्ज़म्पल ऑफ पन इज़ लाइफ वर्दी ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स अपॉन द लीवर अगर आपको जिंदा रहना है तो आपके जिगर पर भरोसा होना चाहिए अब जिगर यानी या तो आपका कलेजा होना या फिर आप कलेजा खाने वाले होना द टलेस्ट बिल्डिंग इन टाउन इज़ द लाइब्रेरी इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज़ सबसे ऊँची बिल्डिंग इस शहर की जो है वो लाइब्रेरी की है इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज़ अब लाइब्रेरी में जो किताबें हैं वो उसमें हज़ारों किताबें है कहानियों की अब बिल्डिंग में भी स्टोरीज़ होती है बिल्डिंग की स्टोरीज़ यानी कि मंजिल और बुक की स्टोरीज़ यानी किताबी कहानियाँ वाई डू एम्फीबियंस टेक द बस बिकॉज देर कार्स आर ऑलवेज गेटिंग टोड अब यहाँ टोड का मतलब है जो एम्फिबियन में टोड जो होता है ये किसी फ्रॉग यानी कि मेंढक के बच्चे को कहते हैं लेकिन यहाँ पर टोड के मैंने खींचना टो करके ले जाना कार जैसा कि टो करके ले जाते हैं बंद पड़ने पर उसे कहते हैं अनोमोइया अब ये सिफत सूती आवाज़ का जो सिफत है इसे यहाँ पर बयान किया गया है अनोमैटोफोया इज़ अ फिगर ऑफ़ स्पीच इन विच वर्ड्स इवोक द एक्चुअल साउंड ऑफ द थिंग दे रेफर टू और डिस्क्राइब द बूम ऑफ ए फायर वर्क एक्सप्लोडिंग द टिक टॉक ऑफ अ क्लॉक एंड द डिंग डोंग ऑफ अ डोर वेल आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ आनोमटोफोइिया अब ये आनोमेटोफोिया का जो एग्ज़ाम्पल्स है इसका मतलब है कि ये जो आवाज़ निकलती है चाहे किसी चीज़ की हो परिंदों की हो दरख्तों के पत्तों की हो पानी की ये भरे बहने की हो तो ये आवाज़ की जो कि इस्तेमाल किए जाने वाली खसूसियतों से और एनमट को यह कहते हैं इसके एग्जाम्पल है डू हम लाइक बीज द वर्ड हम इमिटेट्स द हमिंग ऑफ बीज यानी कि जो मक्खियाँ भिन भिनाती है तो उसके लिए हम ये व लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और हमिंग ऑफ बीज यही यहाँ पर बयान किया गया है डाउन सैंग द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड यानि ये इंच के बैल में का सेंटेंस है डाउन सैंग द बेल वित् गर्गलिंग साउंड यानी जो घंटी है वह डूब रही है लेकिन जब घंटी डूबती है क्यों कोई भी चीज़ डूबती है तो आवाज़ जब डूबते वक्त कैसी आती है बुड़ 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 तो ये बुड़ बुड़ की आवाज़ जो है उसे गर्गलिंग साउंड कहते हैं सिंकिंग साउंड ऑफ गर्गलिंग ओ गॉड फॉर गू मे फॉर गिव मी वेन आई वाइन ये साउंड ऑफ वाइन यानि कि आह भरने की आवाज़ इस्तेमाल की जा रही है खुदा से माफ़ी मांगी जा रही है एक्सक्लेशन यानि सनत इसमेमेशन इज़ अ फिगर अकििन टू इंटरगे इंस्टेड ऑफ़ स्टेटिंग फैक्ट सिंपली एंड कामली द राइटर ऑफ स्पीकर अटर्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और ऑफ इमोशन ऑफ सम थिंग इज़ सो यानी ये सनत एहत एक्सक्लेमेशन जो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें या तो सवाल किया जाता है या कोई बात सीधी बयान करने के बजाय उसमें ताज्जुब का इजहार किया जाता है एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेशन हाउ ब्रेवली मेट हिस डेथ वट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन बट ओ हार्ट हार्ट एग्जल्ट ओ शोरस एंड ड्रिंग ओ बेल्स ये ओ कैप्टन माय कैप्टन ये टेंथ स्टैंडर्ड की पोएम में से लिए गए उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदा